नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब लूट और डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से रिवाल्वर, तमंचा, कारतूस और लूट की बाइक बरामद किया है। SP ने दावा किया है कि बदमाश जिले में एक बड़े सराफा व्यवसायी और मऊ जिले के एक ग्राहक सेवा केंद्र को लूटने की योजना बना रहे थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है। बता दें कि पिछले दिनों जिले में ताबड़तोड़ लूट और हत्या की घटनाओं के बाद SP ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम को भंग कर नई टीम का गठन किया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस के जरिए मुखबिर को सूचना मिली कि कुछ नए लड़कों का एक गैंग लूट की वारदात में सक्रिय है, जो अभी हाल में ही जेल से छूटकर आए हैं और तरवा थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर के निर्माणाधीन मकान में लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मंदिर के निर्माणाधीन मकान में छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी की भनक लगते ही बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें बदमाशों की गोली एक सिपाही के पास से होती हुई गुजर गई, जिससे वह बाल बाल बच गया। जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और घेराबंदी कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से पुलिस ने 1 रिवाल्वर, 2 तमंचा, आधा दर्जन कारतूस, 2 चोरी की बाइक आदि बरामद किया। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाशों का आजमगढ़ के साथ दूसरे जनपदों में भी आपराधिक इतिहास है। ये लूट की दर्जनों घटनाओं में शामिल है और हाल ही में जेल से छूटने के बाद पुनः घटनाओं को अंजाम देने जा रहे थे, जिन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। कल ये सूचना हम लोगों को मिल रही थी कि एक गैंग है 5 लड़कों का जो लूट करने वाला है। एक सोने की दुकान पर लूट करने वाला है और एक ग्राहक सेवा केंद्र से जो पैसा ले जाते हैं उसको लूट करने वाला है। हमारी चेकिंग चल रही थी पूरे जनपद में। क्राइम ब्रांच की टीम तरवा क्षेत्र में थी। इंस्पेक्टर तरवा और क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी चेक करती। तो ये बदमाश जैसे ही आए, इन लोगों ने पुलिस पे फायर करना शुरू कर दिया। फिर इनको दौड़ा करके पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद इनके यहाँ से बरामद हुआ कट्टा, तमंचा, ये 2 कट्टे भी थे, 2 लूट की मोटरसाइकिलें भी इनसे बरामद हुई है। और इन्होंने पूरी योजना बताई कि हम लोग ये योजना बनाए हुए थे कि सोने की दुकान हम लोग लूटने वाले थे और ये ग्राहक सेवा केंद्र जहाँ की हम लोगों के प्लानिंग थे। इन लोगों ने पूरी बात बताई। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, पहले भी जेल जा चुके हैं। जेल से छूटने के बाद फिर ये गैंग बना करके ऐसा काम कर रहे थे। सर, मऊ जनपद के भी कोई बदमाश? हाँ, इसमें 2-3 लड़के, ये मऊ और आजमगढ़ के, ये मिल करके ये गैंग बना हुआ है। मऊ के 2-3 लड़के हैं चिड़ियाकोट साइड के। ये गुलशन है इसका सरगना जो है। नहीं, जिन लोगों ने असलाह सप्लाई किया है जैसा ये बता रहे हैं, उसके भी नाम आ गए हैं। हमारी टीम गई है उसको गिरफ्तार करने के लिए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।